देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके माध्यम से घोसी की जनता को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इंडिया पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, जिन्होंने समर्थन दिया है, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल का बहुत दबदबा होता है। इसकी परवाह किए बगैर कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जिस तरह से वहाँ काम किया, उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीती। और ये तो लोग समझते थे कि कंटेस्ट है, सही ठीक है, लेकिन बीजेपी के लोग फिर भी समझते थे कि वो चुनाव जीत जाएंगे। तो ये जो इतना अंतर है और जो लोगों को जो समझ नहीं सके, एसेस नहीं कर सके चुनाव से पहले, उसका कारण ये है कि सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त अंदर अंदर ज़बरदस्त आक्रोश है। जब भी कोई गवर्नमेंट, जब भी कोई शासक जनता के मन में भय पैदा कर देता है तो जनता ऊपर से कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन वक्त आने पर उस भय को दूर करने के लिए अपनी निराशा का और अपनी गुस्सा का उस सरकार के खिलाफ इजहार करती है। वही घोसी की जनता ने किया है। डर, मतलब कोई हृदयहीन व्यक्ति भी इस तरह के काम नहीं करता है जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है। लोगों के घरों को तोड़ना, जमीन को कुर्क करा लेना, अकारण लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा देना, फर्जी इनकाउंटर करवा देना, फर्जी मुकदमे लगाकर जेलों में डाल देना, ऐसा कभी ऐसा देश में आपातकाल में भी ऐसा नहीं कभी हुआ था। आपातकाल में भी पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाला गया था, लेकिन न जेल में न जेल के बाहर कोई प्रताड़ना किसी की नहीं की गई। जैसे इमरजेंसी हटी, सब अपने घर आ गए निकल के। लेकिन इसमें तो तरह तरह के नए हथकंडे अख्तियार कर लिए, अपना लिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो जनता सिंहासन पर बैठालती है, उसी की अगर उपेक्षा करोगे तो सिंहासन से उतार के फेंक देगी।